अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम चिक्कोड़ी में मौजूद हैं और चिक्कोड़ी में प्रियंका सतीश जारकीहोली, इन्होंने अपना नॉमिनेशन दर्ज किया हुआ है। बहुत शक्ति प्रदर्शन तो नहीं, लेकिन मखसूस लोगों के साथ यहाँ पर उन्होंने आकर प्रियंका जारकीहोली ने अपना नॉमिनेशन दर्ज किया हुआ है। यहाँ पीछे जो है कई सारे MLAs भी हैं और कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान हैं। जब हमने सवाल पूछा कि उम्र में कम है, तजर्बा नहीं है, तो इस पर जनाब सतीश जारकीहोली ने कहा कि धीरे धीरे चलते चलते सबको तजर्बा हो जाता है और लिहाजा वो पहले से सोशल वर्क में भी काम कर चुकी हैं और इस पर चिक्कोड़ी से जीतना यकीन। इस तरह से बात सतीश जारकीहोली कांग्रेस के जिम्मेदारान ने कही। यहाँ तक आसिफ राजू सेठ ने भी यहाँ की जीतने की जमानत उन्होंने दी। लिहाजा आज यहाँ पर नॉमिनेशन दर्ज किया हुआ है और एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस कारकुनान में एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है कि बेलगाम चिक्कोड़ी, मतलब तीन बेलगाम जिले की सीटें आ सकती हैं। लिहाजा ये तो 7 मई को चुनाव के बाद मालूम होगा कि कौन जीतेगा। कुल मुल्की सतह पर अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल जो भी हो, जहां 400 पार का नारा भाजपा की जानिब से दिया जा रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं कि नतीजे के बाद ही हकीकत असली तस्वीर सामने आ सकती है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सर तजर्बा कम है सभी कहते हैं, सब तो पैदा होने के बाद सबको एक्सपीरियंस नहीं मिलता ना। आपने भी शुरू किया था तभी आपको, आप कहते हैं ऐसे स्टेप बाई स्टेप होता है, और मीडिया में हो, बिजनेस में हो, पॉलिटिक्स में हो, हायर हो, जूनियर होता है, जूनियर के पास सीनियर होता है, सीनियर के पास और सीनियर होता है, ऐसे स्टेप रहता है। हम है ना उसके पीछे, इतना बड़ा पार्टी है, हम है पूरा पार्टी है, हम काम करेंगे उसके पीछे। पूरा एक MBA कैंडिडेट है, सिक्के पड़ेले है, सतीश अन्ना का उनके पूरा बैकिंग है, सभी यहाँ के पूरी पार्टी का बैकिंग, सभी MLAs का बैकिंग है। और जैसे साहब ने कहा, एक्सपीरियंस तो चलते चलते सीखते सीखते हो जाता है। अभी आज पकड़ेंगे तो और 8-10 टर्म का उनका अभी करियर है, तो अभी से स्टार्ट करेंगे तो बहुत आगे पहुँचेंगे। ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದರಲ್ಲಿ 100-90% ಮತಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಥ ತುಟ್ಟಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಬಹಳ ಸಹಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ಜನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಜನ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ। ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ
ನಮ್ಮ ಆಶೆ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು ಜನರ ಬಳಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸ್ತೀರಿ ಸಾಧ್ಯಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯಿಲ್ಲ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಆಶಾ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಇನ್ನು ಸಮಯ ಇದೆ ನಂತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ अदे बहुत मुख्य अब शक्ति प्रदर्शन वग्गट प्रदर्शन एला शासक मजी शासक ब्लॉक अध्यक्ष अध्यक्ष बंद तम सपोर्ट नम नामपत्र सल्लिसिदारे अवरिगे धन्यवाद हेळ्तीनि मत मत सायंकाल प्रचार प्रारंभ इदे ना प्रारंभ माडे माड्तीवि नम पक्षद मद्देदी नम्बर कनेक्ट मे होबड़े और स्वतंत्र पक्षद नम्बू अदे संबंध इला इन फिक्स आगे निम्हे प्रियांका सतीश्वरी जारकिहोळी साहब उनका नॉमिनेशन पेपर भरा है एक यंग योगी है एक MBA ग्रेजुएट है आगे चल के बहुत काम करेगी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए यह हमें पूरी उम्मीद है और यहाँ पे सतीश अन्ना भी है और उनके साथ हम पूरे MLAs भी हैं सभी मिलके हम इनकी जिताने की कोशिश ही नहीं हम ज़रूर जीतेंगे यहाँ पर और यहाँ पे जो हमें ज़रूरत है आज अच्छे रोड्स अच्छे इंडस्ट्रीज जो इतने साल में कभी आए नहीं है सिर्फ मोदी साहब का मोदी का के इलेक्शन जीतना अब ये ख़त्म हो गया ये दो बार लोगों को फंसाए अब इसके आगे फंसा नहीं सकते लोग भी समझ चुके हैं यहाँ पे ये बच्ची ग्राउंड पे काम करेंगी हमारे पुराने संसद मैंने सुना है ज़्यादा मैं उनके बारे में बात नहीं कर सकता लेकिन ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखाई नहीं दिए और अब सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं मोदी जी के आके यहाँ पे काम नहीं करने वाले हैं यहाँ पे काम करने वाले हैं चिक्कोड़े में हमारे गणेश ओक्केरी साहब हैं राजू कागे साहब हैं महेंद्र तरमन तमन्नावर साहब हैं लक्ष्मण सावधी साहब हैं सतीश अन्ना जारकिहोळी है ये सब मिलके काम करने वाले लोग हैं यहाँ पे और आप मेरी सबको दरख्वास्त है कि सभी मिलके प्रियंका जारकिहोळी को वोट दीजिए और उनको जिता के लाइए एक अच्छी कैंडिडेट है बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जारकिहोळी को वोट दीजिए और उनको जिता के लाइए एक अच्छी कैंडिडेट ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ವಕೀಲರನ್ನು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಮತ್ತು ಸಭಾವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು PWD ಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಕೀಲರು ಒಂದೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ಸರಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಏನು ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡಬೇಕು वो भी तेरा पानी है किनाल का इतना बंद भी बात है I'm going to go to the hospital.
जोरदार तालियों से इस गुरुकुशी का इस्तकबाल करेंगे और आप जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। मैं हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने पूरे कोरोना काल में न सिर्फ कुर्सी, न सिर्फ बेलगाम, बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में अपने खिदमत के तारीफें गिनवाए। और ये खिदमत की तारीफ इसलिए थी कि इस शख्सियत ने दिन रात हॉस्पिटल में खड़े रहकर जान जाती हुई लोगों के सांसें रुकती हुई लोगों की मदद के लिए खड़ा रहा। मेरी मुराद हमारे बीच में हमारे बेलगाम के MLA आसिफ सेठ मौजूद हैं। मैं उन्हें इस शेर के साथ दावत देता हूं कि करे वो बात तो कहते हैं फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। आज हम 2024 लोकसभा इलेक्शन के कैंपेन के लिए आए हैं। हमारे उम्मीदवार एक सीखी पढ़ी हुई बच्ची, एक अच्छे घराने की बच्ची, एक अच्छे आदतों की प्रियंका जारकीहोली, एजुकेटेड, काम करने वाली, मेहनत करने वाली। और अगर आप उसको वोट करके इलेक्ट करके देंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें किसी को नाराज नहीं करेंगी। चार फुट खोदे खोद के फुटे डाल के पूरा छड़ी डाल के जैसे स्लैब डालते नहीं पूरा डाले तो Thank you.
बेटो।